अगर आप रात को 9 से 1 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो जो आपकी मिड लाइफ होती है वो यूजुअली डार्क में रहती है। आप सर्टन टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते एंड गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं लगेगी एंड फादर से सपोर्ट जो है वो बहुत कम रहेगा एंड बहुत ज़्यादा एनिमीज़ आप फेस करेंगे मिड लाइफ तक 25, 26, 28 तक की एज तक। बट ऑलवेज रिमेंबर सन कैन नेवर बी ऑलवेज इन डार्क, इट विल शाइन। एंड फोर्थ हाउस से सन जो होता है अपने सातवें एक्सपेक्ट को देखता है, सातवें घर को देखता है। तो मिड लाइफ के बाद 30 की एज के बाद जो आपका सन है वो 10th हाउस में आके शाइन करता है। 10th हाउस आपका कैरियर का होता है एंड इट ब्राइटन्स एवरीथिंग अप। एनिमीज़ वगैरह आप पहले फेस करे थे वो अब आप नहीं फेस करेंगे, एनिमीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आपका सन 10th हाउस में आ जाएगा तो वो शत्रुहंता योग बनाएगा, जो भी आपके एनिमीज़ होंगे वो अपने आप बर्न हो जाएंगे हीट ऑफ दिस सन से, वो बर्न हो जाएंगे। ये पावर ऑफ यूनिवर्स है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वगैरह आपकी नहीं लगेगी। हाँ, मिड लाइफ के बाद आप पॉलिटिशियन ज़रूर बन सकते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ऐसा नहीं होगा कि औरों की तरह जैसे सन 11th या 10th हाउस में है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड जॉब लग गई। यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट।